मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, 3 साल से सोच रहा हूँ और अब भी ट्राई नहीं कर पाया, और मुझे लग रहा है कि इस बार भी ट्राई नहीं कर पाएंगे क्योंकि साहिब भैया यार चलो घूमने चलना है, आप अभी तक यहीं पड़े हुए हो क्या यार? जब से स्कूल से आते हो आप यही करते रहते हो, आप पूरे टाइम फोन। अरे फोन की बैटरी तो बहुत ज्यादा है, कब तक बंद होएगा? तो क्या फोन ही खेलते रहोगे? अब चलना नहीं है हमने, चले यार। आपको बताएं, अभी जब मम्मा नहीं छुट रही और मुझे नहीं बता रही ना, मैं नहीं चल रहा, मैं तो ऐसे ही है। चलो मैं मम्मा को बोलता हूँ वो तैयार करें, फिर हम चलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर बैठी हुई है, अब चलना नहीं है क्या? अब ऐसे ही रहोगे? लोगो को रेडी मैंने कब से बोला हुआ, टाइम से चलेंगे यार, फिर टाइम से सोना भी है, कल इसको स्कूल नहीं भेजना क्या? कल सैटरडे है। ये देखिए यहाँ पे क्या ये कर रहे हैं, बस फटाफट तैयार हो चलो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। एंड आज का सीन ये है कि व्लॉग ये स्टार्ट हो रहा है शाम को 8:30 बजे से, 8:30 बजे से, क्योंकि एक्चुअली सुबह से ना आज का दिन बड़ा ना सुस्त था। वैसे तो हम बीमार चल रहे थे काफ़ी दिन से, सुस्ती तो वैसी आई हुई थी, लेकिन कल से हम ना काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गए थे, लेकिन आज ना सुबह से इतनी ज़्यादा सुस्ती लग रही थी ना कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि कोई व्लॉग शूट करेंगे। लेकिन आज सीन क्या बना, शाम को हम शूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं एक जगह पे जहाँ पे मैं खाने वाला हूँ एक चीज़ जो कोई डिश आज हम ट्राई करने वाले हैं ना, ये साल में सिर्फ एक ही बार बनती है, वो भी कुछ दिन के लिए। इसी वजह से मैं ना और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि साल में कोई चीज़ अगर एक बार बनती है तो ऑब्वियसली बात है स्पेशल है। वैसे संध्या ने ना वो ट्राई किया हुआ है ऑलरेडी, बट मैंने ट्राई नहीं किया हुआ। पिछली साल मेरा लाइक लास्ट ईयर संध्या ने ट्राई किया था, और मेरा सीन था कि मैं लास्ट ईयर ट्राई करूँगा, लेकिन उस टाइम पर हम इंडिया में थे तो मैं ट्राई नहीं कर पाया। तो इस बार मैंने मौका नहीं छोड़ना है और आज हमने वो ट्राई करनी ही करनी है। गाइस कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूँ कि वो डिश, एक्चुअली मुझे उसका नाम भी नहीं पता है, सिर्फ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट नाम नहीं बताऊंगा ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो एक बार वहाँ जाके पता भी करते हैं इसको एग्जैक्टली बोलते क्या है। हम आए थे टी जंक्शन अपनी वो डिश ट्राई करने, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या सीन कि यहाँ पर वो सिर्फ 14th और 15th को ही है अवेलेबल, और आज 13th है तो आज इनके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वही सीन है ना, मैंने आपको बोला ना बहुत ही मतलब कम बनती है, तो वही सीन हुआ कि यहाँ पे आज अवेलेबल नहीं, यहाँ पे कल और परसों है, तो अभी एक जगह दूसरी और है, वहाँ देखते हैं अगर वहाँ मिल जाती है तो। इनका ही चॉपसी हो गई हमारी, क्योंकि यहाँ पे ना वो सिर्फ 14 और 15 को ही है हर जगह पे। एक्चुअली हम 3-4 रेस्टोरेंट ऑलरेडी छान चुके हैं, लेकिन कहीं भी 14 और 15 के अलावा मतलब 13 को तो कहीं पर भी नहीं है। तो बस ये है कि आज तो फिर वही नॉर्मल जो खाना है वही खाएंगे यार, यही सीन है मतलब हर जगह पे वो भी ना। और मैं कोई चीज़ और बताऊँ, सिर्फ 14-15 को भी ना प्री बुकिंग्स जो करे हुए हैं ना सिर्फ वही है। और आपको नाम बता दूँ, मैंने नाम पता कर लिया, उसको बोलते हैं ओनम साध्या बोलते हैं। वो सिर्फ लंच में ही है सिर्फ वो भी चीज़। एक्चुअली ओनम साउथ इंडियन साइड का ना एक फेस्टिवल होता है, तो ये जब ओनम होता है ना 10 दिन का होता था शायद, आई थिंक ओनम, लेकिन जो ओनम साध्य जो इनका जो लंच होता है, जो पूरा एक लाइक काइंड ऑफ ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ लाइक मैं उसकी पिक्चर लगा दूँगा आपको दिखाने के लिए, तो वो ना सिर्फ इसी टाइम पर ही बनता है पूरे साल में, और वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए, लाइक 14th और 15th है कहीं कहीं, और कहीं कहीं सिर्फ 15th को ही है। तो अगर मौका मिला लंच में तो मैं देखता हूँ कि 15th को ट्राई ज़रूर करेंगे, अगर हमें बुकिंग करवाते हैं और अगर मिल जाती है तो। बाकी आज के लिए तो वो नहीं दिखा पाऊँगा, बाकी आज जो हम खाना करने वाले हैं ऑर्डर, क्योंकि अब बाहर आ गए तो बाहर ही खा के जाना ही पड़ेगा, घर जाके तो सीन नहीं बन पाएगा, तो अब जो खाना ऑर्डर करते हैं वही दिखाते हैं फिर आपको। यहाँ तो फ़ोन छोड़ दो साहेब। क्या कर रहे हो स्पाइडर बॉय में? इसको स्पाइडरमैन इतना पसंद है ना, गेम्स भी स्पाइडरमैन वाले ही खेलता है, फुल टाइम गेम। यहाँ पे आइए, वेलकम ड्रिंक जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी लगी, बहुत मीठी है, और सेम भी ट्राई कर रही है, अच्छा नहीं लगा? नहीं अच्छा है, वो है जीरा वाटर है ना, तो थोड़ा शक्ल तुमने ऐसी बनाई कि जैसे अच्छा ना लगा। अरे जब कड़वा लगे कोई चीज तो आदमी शक्ल तो बनाएगा ही ना, तो फिर अच्छा क्या है इसमें? चलो नहीं अच्छा, बेकार था, ठीक है। गाइस नई डिश तो खाने को नहीं मिली, लेकिन एक नए रेस्टोरेंट में आए हैं पहली बार इस वाले रेस्टोरेंट में खाने के लिए, तो यहाँ खाना ट्राई करते हैं कैसा खाना है यहाँ का, और आपको दिखाते भी हैं कि आज हम क्या खाने वाले हैं। ऐसे तो वही रेगुलर चीज़ खाएंगे जो हम खाते हैं, क्योंकि वही कुछ डिफरेंट खाने वाले थे, अब वो नहीं मिला, तो अब यही कुछ जो रेगुलर खाते रहते हैं वही सब चीज़ कुछ खाएंगे। अभी आप बाहर गए थे ना तो कह रहा मम्मा ये तो आज हम बड़े फैंसी से होटल में खाना खाने आए हैं। फैंसी से होटल? बेटा तुमने तो वर्ल्ड टॉलेस्ट होटल में भी खाना खाया, तो इसमें ऐसा क्या फैंसी सा लगा? ये रूफ तो देखो, पहले फैंसी तो लग रहा है।
अच्छा रूफ फैंसी लग रही है, ओके। बच्चा है ना, बच्चे को इससे मतलब नहीं है कि मतलब कितना एक्सपेंसिव है कितना एक्सपेंसिव नहीं है, बच्चे को इससे मतलब है कि होटल दिखने में कैसा लग रहा है। सैंडी यार दिखने में तो वो भी बहुत सॉलिड था, छोटा था ये, तब एक डेढ़ साल पहले के टॉलेस्ट होटल में खाना खाया बेटा तुमने, वर्ल्ड के टॉलेस्ट होटल में, तुम्हें पता है ये टॉलेस्ट नहीं है वो टॉलेस्ट था। सबसे पहले संध्या ने मंगाया अपने लिए सूप, क्योंकि इन्हीं को है ये सब चीजों का ड्रामा है, मेरे से तो ज्यादा जलते भी नहीं है कि नहीं खाने से पहले सूप। जुकाम जुकाम हुआ है ना तो ऐसे में ना ये अच्छा लगता है, मतलब गले को तरी मिलती है ना, तो इसलिए मैंने मंगाया। गाइस ये है कुछ मनचाओ सूप मंगाया था, मनचाओ टेस्ट करके बताओ कैसा है यहाँ का। चलो तो तुम ये ट्राई करो, मैंने तो नहीं करना इसको। यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, 3 साल से सोच रहा हूँ और अब भी ट्राई नहीं कर पाया, और मुझे लग रहा है कि इस बार भी ट्राई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संध्या का 15th को ऑफ नहीं है, उसे जाना है ऑफिस, तो कंफर्म है कि मैं उसे ट्राई नहीं कर पाऊँगा इस साल भी। तो अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं कुछ सीन बनता है तो, क्योंकि अकेले तो मैंने कहीं जाना नहीं होता, अकेले ना पता है मुझे मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि होना चाहिए ना कोई साथ में, तो आज नेक्स्ट ईयर ही ट्राई करेंगे। एंड गाइस खाना भी अपना आ चुका है, ये आई है हमारी कढ़ाई पनीर, ये कढ़ाई पनीर है हाँ, ये कढ़ाई पनीर था, बाकी ये है दाल लहसुनी तड़का और साथ में नान और केरला पराठा। केरला परोठा भी नहीं आया, वो आने वाला है, बाकी ये सब चीजें आ चुकी है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना खाना। इसमें नहीं है, मैंने देख लिया, साइड फोन रखो और खाना खाओ। मम्मा ही कहेगा बेटा, मम्मा तो लाइफ टाइम मम्मा ही रहती है ना, मैं भी तो अपनी मम्मा से मम्मा ही कहती हूँ ना। एंड गाइस घर हम पहुंच चुके हैं, और जो रेस्टोरेंट का खाना था इसका वो अमेजिंग था, मतलब बढ़िया था। एक्चुअली पहले ना कढ़ाई पनीर मुझे देखने में थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन जब खाई तो वो भी अच्छी थी। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों ने ओनम साध्या ट्राई करा है, क्योंकि आज भी हमें मौका तो नहीं मिल पाया, जो लाइक मैं पिछले एक साल से लाइक एक्चुअली क्या ना, मेरे को इतना साउथ इंडियन इतना मेरे को ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि मैं साउथ इंडियन का बहुत तगड़ा दीवाना हूँ, लेकिन सैंडी ने ना इतनी ज़्यादा उसकी तारीफ करी ना, उसकी वजह से मैं ज़्यादा एक्साइटेड था उस चीज़ को ट्राई करने के लिए। लेकिन इस साल भी मेरी वो जो ख्वाहिश थी, जो मेरा वो था कि मुझे खानी है, चेक करनी है कि वो कैसी है एग्जैक्टली, वो पूरा नहीं हो पाया। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, और होपफुली अगर अभी 2 दिन हैं हमारे पास तो अगर कोई सेटिंग बनती है तो ज़रूर आपको तो पता पड़ ही जाएगी, अगर मैं जाऊँगा तो ऑब्वियसली बात है कि व्लॉग भी बन ही जाएगा, तो देखते हैं होप करते हैं। बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग में से कितने लोगों ने खाया है और वो किसका टेस्ट कैसा होता है, जहाँ संध्या बता रही है जितना उसने मुझे बताया कि बहुत सही लगती है, तो एग्जैक्टली अगर आपने खाई होगी तो आप भी बताओगे, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी इस व्लॉग को यहीं तक रखेंगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।